मशहूर और हर दिल अजीज बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी के एक नए वीडियो एल्बम ने हंगामा मचा दिया। वीडियो एल्बम का शीर्षक है मधुबन में राधिका नाचे है। इसके बाद से सनी लियोनी और नया सॉन्ग मधुबन सुर्खियों में आ गया। वृंदावन के पुजारी तो इस गाने को लेकर बहुत नाराज हैं। यहां तक गाने को बैन कराने की मांग की जा रही है। सनी लियोनी पर आरोप लगा है कि उन्होंने मधुबन में राधिका नाचे गाने के जरिए हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। वृंदावन के संत नवलगिरी महाराज ने सरकार से सनी लियोनी के खिलाफ एक्शन की मांग की है। कहा है जल्द से जल्द गाने को बैन किया जाए। अगर सरकार ने इन दोनों मांगों को नहीं माना तो मदद के लिए कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाएंगे। मधुबन में राधिका नाचे गाने का नया वीडियो 22 दिसंबर को रिलीज हुआ था। उसके बाद से यह गाना अचानक विवाद में आ गया। वृंदावन के पुजारियों ने बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी के नवीनतम वीडियो एल्बम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वीडियो में उनके डांस मूव्स अश्लील हैं, जिससे कि ब्रज भूमि की छवि खराब हुई है। वृंदावन चतुर संप्रदाय के मोहिनी बिहारी शरण महाराज ने कहा कि नृत्य वीडियो ने पूरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। राधा रानी के नाम पर प्रचार पाने का यह सबसे सस्ता तरीका है। अगर सरकार ने आवश्यक कार्रवाई नहीं की तो वह अदालत का रुख करेंगे। मथुरा के पुलिस अधीक्षक एमपी सिंह ने इस पर अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि अभी तक कोई प्राथमिक दर्ज नहीं की गई है। वैसे हम आपको बता दें कि मधुबन में राधिका नाचे इस गाने को मूल रूप से मोहम्मद रवि ने 1960 में फिल्म कोहनूर के लिए गाया था। मधुबन में राधिका नाचे रे। इस गाने ने काफी लोकप्रियता अर्जित की थी। लोगों के दिमाग में यह गाना चढ़ गया था, जिसका रिजल्ट है कि आज भी इस गाने के वीडियो बनाए जा रहे हैं।